भारत एट नाइन में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के, जहां जातीय समीकरण और आरक्षण की राजनीति ने सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। आगे इस वीडियो में मैं बात करूं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना मैं चाहती हूं। दरअसल हम लगातार महाराष्ट्र चुनाव पर कवरेज कर रहे हैं और पल पल की अपडेट बहुत ही कम शब्दों में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो शॉर्ट का फॉर्मेट है वहां पर जा सकते हैं, वहां पर आसानी से कम शब्दों में हर एक अपडेट ढूंढ सकते हैं और जान सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बता दूं कि 288 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा केंद्र में है। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की ओर से लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही है। इससे ओबीसी समुदाय के भीतर असंतोष पैदा हो गया है और ये सारा विवाद अब चुनावी समीकरणों पर सीधा असर डालने वाला है। शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन कुनबी प्रमाण पत्र को लेकर विवाद अब भी जारी है। दूसरी ओर ओबीसी समुदाय को डर है कि मराठाओं को मिलने वाला आरक्षण उनके हिस्से में से ना ले लिया जाए। सरकार ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश तो की है, लेकिन असंतोष अब भी बरकरार है। इसके अलावा महाराष्ट्र में धनगर बनाम आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा रहा है। धनगर समुदाय आदिवासी दर्जा मांग रहे हैं, जबकि आदिवासी समाज उसका विरोध कर रहा है। ये विवाद भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीति और रणनीति पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडियन गठबंधन मराठा मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जातीय आबादी मराठा समुदाय की है, जो लगभग 30% है। वहीं ओबीसी समुदाय की आबादी 38 से 40% के बीच है, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस का फोकस इन समुदायों को एकजुट करने पर है। विदर्भ में दलित और मराठा वार्ड में मराठा समुदाय का दबदबा है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक अहम भूमिका निभाएगा। वहीं ओबीसी समुदाय के बिखराव का फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन आयोजित कर सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात की है। दलित समाज में आशंका फैलाई जा रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर सकती है। प्रकाश अम्बेडकर भी लगातार बीजेपी पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय, जो राज्य की 13% आबादी है, पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं कुनबी समाज, जो मराठाओं को आरक्षण दिए जाने से नाराज है, कांग्रेस की ओर झुकता नजर आता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण आरक्षण के मुद्दे ने राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी इन समीकरणों को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक बार फिर से आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पल पल की अपडेट के लिए बहुत ही साधारण सी भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में आप हमारे शॉर्ट फॉर्मेट पर जा सकते हैं और वहाँ पर हर जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।